अगर आप नॉर्मल वाइट ब्रेड ले रहे थे और उसमें आप नब्बे परसेंट ग्लूटन ले रहे थे तो इस ब्रेड में आप तकरीबन 24 से 30 परसेंट तक ग्लूटन ले रहे हैं सिलेक पेशेंट्स को और जिन लोगों को ग्लूटन सेंसिटिविटी है उन लोगों को तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती अदरवाइज मैं सब लोगों को ये ब्रेड रिकमेंड करती हूँ याद रखिए कि हमारी सत्तर इम्यूनिटी हमारी आंतों से आती है इसी मैं अक्सर कहती हूँ गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग असलम एवरी वन दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस और आज मैं आप लोगों से बहुत ही अंतर की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और वो इफॉर्मेशन ये है कि मैं खुद अपने नाश्ते में कौन सी डबल रोटी इस्तेमाल करती हूँ अच्छा जहाँ पर मेरी आज की वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के सारे काम आ सकती है वहाँ पर मैं इस बात की तबलीग करना खत्म नहीं करूंगी कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है हर इंसान की बॉडी के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं और हर इंसान अपनी बॉडी को डॉक्टर से भी ज्यादा सबसे बेहतर खुद पहचानता है कि उसको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है मैं जिस ब्रेड के बारे में बात करने लगी हूँ क्योंकि मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी डाइट में वैसे ग्लूटेन और गंदुम अवॉइड ही करती हूँ लेकिन जिस डबल रोटी की मैं बात करने लगी उसमें कुछ हद तक ग्लूटेन कंटेंट मौजूद होता है मैंने अपनी डाइट में इससे शामिल रखा हुआ है क्योंकि मुझे अदरवाइज ग्लूटेन से अलमदुल्लह कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सावर ब्रेड की बात करने लगी हूँ मेरे नाश्ते में सावर डॉब ब्रेड क्यों शामिल है मेरे नाश्ते में सावर ब्रेड इसलिए शामिल है क्योंकि जिस प्रोसेस से ये डबल रोटी बनाई जाती है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये ओल्डेस्ट मैथड है ग्रेन फर्मेंटेशन का ग्रेन उर्दू में अनाज को कहते हैं फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया खाने को एक प्रोबायोटिक में कन्वर्ट कर देता है प्रोबायोटिक उस को कहते हैं जो आपकी आंतों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है जो आपके आंतों के गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती है याद रखिए कि सत्तर परसेंट इम्यूनिटी हमारी आंतों से आती है इसे अक्सर कहती हूं गट स्ट्रोंग तो मैं स्ट्रॉन्ग अपनी डाइट में हम सावर डॉब्रेट के साथ साथ जितने भी प्रोबायोटिक खाने रखेंगे आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है दिफा सिस्टम है वो उतना ही स्ट्रांग होगा और यही वजह है कि मैं अपनी डाइट में इसको रखती हूँ बहरहाल वापस मुद्दे की तरफ आते हैं जिस तरह से जिस प्रोसेस से आपकी बॉडी में सावरड्रा ब्रेड बनता है उस प्रोसेस से वो लैक्टिक एसिड जो उसके अंदर क्रिएट करता है वो आपकी आंतों के बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग भी करता है और सावर ड्रॉ के अंदर जो मिनरल्स मौजूद होते हैं उनको जिसमें में एब्जॉर्ब होने में बेटर तरीके से हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर मल्टाग्रेन ब्रेड आपके पास मैं रेगुलर मल्टाग्रेन ब्रेड की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको सूट करें बहुत अच्छी बात है लेकिन वो हाजमे पर कंपेरेटिवली टफ होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रीन शामिल होते हैं और मोस्टली वो ग्राइंडेड नहीं होते हैं और दूसरा उसमें फाइटिक एसिड और फाइटेट्स कॉन्टेंट ज्यादा होते हैं फाइटेट्स आपके पास कुदरत की बनाई वो चीज है जो कि हर तरह के नट सीड्स और ग्रेन्स में मौजूद है जो कि उसमें मौजूद वाइटामिन मिनरल्स को जिसमें जस्प होने से रोकती है आपके पास जहाँ पर रेगुलर मल्टाग्रीन ब्रेड जिंक सिलीनियम आयरन डिफरेंट वाइटामिन और अमाइनोसिस में रिच है वहाँ पर यह भी सच है कि वो आपके जिसमें इतनी अच्छी तरह एबजॉर्ब नहीं होता लेकिन सावरड और ब्रेड आपके पास जिस फर्मेंटेशन प्रोसीजर से बनती है इनका जज्ब होना आपकी ब्लड स्ट्रीम में इसका एब्जॉर्ब होना बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है दूसरी रीजन आपके पास ये है कि सावरड और ब्रेड जिस प्रोसेस से बनती है वह आपके पास ग्लूटेन को चौबीस से सत्तर परसेंट तक बेटर एब्जॉर्बेबल बना देती है और उसका कंटेंट भी कम कर देती है अब आप समझ लें कि अगर आप नॉर्मल वाइट ब्रेड ले रहे थे और उसमें आप नब्बे परसेंट ग्लूटन ले रहे थे तो इस ब्रेड में आप तकरीबन 24 से 30 परसेंट तक ग्लूटिन ले रहे हैं सिलियक पेशेंट्स को और जिन लोगों को गलूटन सेंसिटिविटी है उन लोगों को तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती अदरवाइज़ मैं सब लोगों को ये ब्रेड रिकमेंड करती हूँ एक और इसमें मज़े की रीज़न आपके पास ये है कि जिस प्रोसेस से अगेन जिस फर्मेंटेशन से आपके पास सावर्ट और ब्रेड बनती है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि उस दौरान उस ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को वो चेंज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाते हैं तो वो आपकी आंतों से जब आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो जो ग्लूकोज है वो इतनी स्पीड से ऊपर नहीं जाता वो कंपैरेटिवली स्लोली ऊपर जाता है जब ग्लूकोज स्लोली ऊपर जाता है तो ये किन लोगों के लिए अच्छा है ये डायबिटिक्स के लिए अच्छा है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम रहता है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पी के पेशेंट्स हैं ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं ये वो चंद रीज़न थे जिसकी वजह से मैं सावर्ड और ब्रेड अपनी डाइट में इं इंक्लूडेड रखती हूँ जिन लोगों को ग्लूटन और सीलिय प्रॉब्लम नहीं है वो सब इसको इंक्लूड कर सकते हैं और आपका पेट इससे बहुत देर तक भरा रहता है आई सी ऑल गिन विद इन इनफॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़